हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर वेल। सो दोस्तों, बेस्ट विशेस फॉर अर्थ डे, ग्रीन डे। तो अब जो है प्लांट, पेड़ पौधे हमारे लाइफ में ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये इस बार के लॉकडाउन ने हमें सिखाया, जिस हिसाब से ऑक्सीजन की कमी हुई, तो अब जो है हम लोग को इस पे फोकस करना है। तो इस लॉकडाउन में मैंने भी कुछ सीखा, वन मंथ में कैसे प्लांट को लगाना है, क्या कैसे प्लांटेशन गार्डनिंग होता है, वो मैंने सीखा है। और मैंने अपने कबाड़ बालकनी को कन्वर्ट किया एक ब्यूटीफुल गार्डनिंग में। और तो दोस्तों, ये देखिए कैसे मैंने जो है मनी प्लांट को कन्वर्ट किया है हैंगिंग मनी प्लांट में, और कैसे एक टायर का यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने बोगनविलिया के प्लांट लगाए हैं, और ये सारे कटिंग के थ्रू जो होते हैं, कटिंग के थ्रू मैंने बनाए हैं। और यहाँ भी मैंने डिफरेंट वराइटीज के स्मॉल प्लांट्स लगाए हैं। ठीक है, और ये आप देखिए पूरा सिनारियो, ये जस्ट वन मंथ का वर्कआउट है। और यहाँ मैंने हैंगिंग में भी डाले हैं कुछ प्लांट्स, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ मैंने बोगनवेलिया डिफरेंट वैरायटीज की लगा दी हैं, जो कि कटिंग के थ्रू किया है मैंने। और ये देखिए, तो अब काफ़ी अच्छा कन्वर्ट हो गया, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे बैठना और योगा करना। तो ये है सर, ये आप देखिए। सो दोस्तों, इस अर्थ डे पे, इस ग्रीन डे, एनवायरमेंट डे पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमको अब जो है अपना प्लांटेशन पे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उस पर फोकस करना है। हाँ, ये मैं मानता हूँ, अगर आपके पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, तो आप जहां हैं वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बालकनी से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने टेरेस से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन लगाएं और लोगों को इसके बारे में बताएं भी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आप अपने लाइफ में जो भी आप फ्रूट्स खाते हो, जो भी वेजिटेबल्स खाते हो, उसके सीड्स को आप फेंके ना, उसको भी आप स्टोर करके रखें। अभी आम का मौसम आ रहा है, ठीक है, तो आम की गुठलियां ना फेंकें, उसको स्टोर करें, और उससे भी आप प्लांट लगा सकते हैं। या आप कभी भी हाईवे या कहीं भी आपको स्पेस दिखता है, तो वहां पे उस प्लांट को लगा के आप प्लांटेशन कर सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी आए। और मैं यही चाहता हूं कि आप इस चीज को थोड़ा फोकस करें। ओके फ्रेंड्स।